यानी पहले तो बोर्ड्स की तादाद देखने 50 है, एक बात ध्यान में रखिए, नट्स 150। चले जी, हाफ ऑफ बोर्ड्स एंड हाफ ऑफ नट्स आर रस्टेड। अगर मैं रस्टेड बोर्ड निकालूं, रस्टेड वाले, तो मेरे पास वो कितने आ जाएंगे? 25। रस्टेड नट्स निकालो तो मेरे पास आ जाएंगे 75। तो कह रहे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रस्टेड और बोल्ट, यानी या तो रस्टेड हो या बोल्ट हो, ये मुझे चाहिए। एक बात तो होता है कि टोटल जो मेरे पास आएगा 50 और 150 यूनिवर्सल जो आ जाएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी एंड में 20 से डिवाइड होगी। अब बात सारी ये है कि भाई ये जो 25 रस्टेड बोल्ट है, दो तीन तरीके करने के, मैं अगर देखता कि भाई टोटल रस्टेड कितने हो जाएंगे, तो 75 प्लस 25 100 है जो रस्टेड। अब मुझे क्या बोल रहे हैं, रस्टेड और बोल्ट, तो रस्टेड 100 है और बोल्ट कितने हैं 50। हमारा जो फार्मूला होता है इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का, वो होता है क्या, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए 100 और 50 को अगर मैं प्लस करता तो 150 आता, लेकिन भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो 50 बोल्ट है उनमें से रस्टेड भी तो है 25। ये रस्टेड बोल्ट ऑलरेडी मैं रस्टेड में काउंट कर चुका, और अगर बोल्ड में दोबारा काउंट करूँगा तो मैथ्स में डबल काउंटिंग क्या होती है, माइनस हो जाएगी। ये रस्टेड बोल्ड हो जाएंगे, इनका इंटरसेक्शन भी जो कि माइनस हो जाएगा। डिवाइड मैंने कहा था सम 200 से होगा, 100 प्लस 50 कितना होता है 150, 25 माइनस से ले 125 अपॉन 200 यानी 5/8। देखिए और कितने तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये था कि मेरे भाई मैं देखता ये जो बोल्ट है मेरे पास वो कितने हैं भाई, रस्टेड बोल्ट कितने, 25 क्या हो गए रस्टेड बोल्ट। या ये भी कह लेता मैं कि इसको छोड़ दे, मैं कहता मेरे पास 50 बोल्ट कितने 50, उनमें मैं डायरेक्ट क्या प्लस कर लेता रस्टेड में, तब भी देखें क्या आता, वही 125 आता, 200 से डिवाइड हो गया, फर्क आएगा। एक ये मैथड भी था मेरे पास, एक ये मैथड भी था मेरे पास जिससे मैं कर सकता था, बड़ा आसान, इससे भी मेरे पास हो जाता। और मेरे भाई मैंने जब देखा कि भाई आधे मेरे पास जो गोल्ड नस्टेड है आधे नस्टेड है, तो 75 और 25 कितने हो गए, मुझे क्या कहा था बोल्ट और रस्टेड। मैं ये रस्टेड बोल्ट के साथ जो रस्टेड एंड होता है इनमें डायरेक्ट क्या प्लस कर देता नॉन रस्टेड बोल्ट। अगर टोटल 50 बोल्ट रस्टेड है तो नॉन रस्टेड कितने होते हैं 25, इन 25 को शामिल नहीं करता, तो 100 प्लस 25 अभी भी क्या आता 125, डिवाइड कर दे 200 से क्या आता 5/8। तीनों तरीकों से रिजल्ट तो ही आता, तो ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी प्रॉबेबिलिटी के टॉपिक्स में से। तो जनाब ये था इसका आंसर।